नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद के बीच में एक बेहद ही तगड़ा मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन इस मुकाबले में कैसे आरसीबी की टीम पूरी तरह से ढेर हो गई, जानने के लिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिसकी बैटिंग लाइनअप सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है इस साल के आईपीएल में, लेकिन अचानक से ही ये टीम पूरी तरह से धराशाही हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजों ने इनको 70 रनों तक भी नहीं पहुंचने दिया है। किस तरह से आज टीना ट्राजा ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी कराई, वहीं मार्को जेंसन ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी कराकर और पूरी तरह से आरसीबी के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, और आरसीबी के इस बैटिंग लाइनअप में काफी इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा है, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई थी। उम्मीद यह की जा रही थी कि 200 नहीं तो कम से कम 180 रनों तक तो आरसीबी की टीम पहुंचेगी ही, लेकिन यह क्या, यहां पर तो आरसीबी की टीम 170-80 छोड़िए 70 रन तक भी नहीं पहुंच पाई है। आरसीबी की टीम की तरफ से आज फैफ डु प्लेसी सिर्फ और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अनुज रावत अपना खाता भी ना खोल सके, 0 रन बनाकर ही आउट हो गए। विराट कोहली से उम्मीद थी, लेकिन फिर पिछले मैच की कहानी को विराट कोहली ने रिपीट किया। इस मैच में भी विराट कोहली अपना खाता तक नहीं खोल सके, पहले ही गेंद पर अपना कैच ये थमा बैठे मरकरम को। इसके बाद दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने 11 गेंदों पर एक छोटी सी पारी खेली। जो सबसे बड़ी पारी आरसीबी की तरफ से निकल कर आई है वो है 15 रनों की, जिसे सुयास प्रभुदेसाई ने खेला है। 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर ये आउट हो गए और ये आरसीबी की सबसे बड़ी पारी है। इसके अलावा शहबाज अहमद ने सिर्फ 7 रन बनाया। दिनेश कार्तिक, जो अभी तक आईपीएल में सिर्फ एक बार आउट हुए थे, आज दुर्भाग्य ये रहा कि जब इनकी टीम अचानक से ही ढेर हो गई तो वहां पर दिनेश कार्तिक भी टिक नहीं सके और खाता तक नहीं खोल सके, 0 पर ही आउट हो गए। इसके अलावा हर्षल पाटिल ने 4 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वनिंदु हसरंगा ने 8 रन बनाया, और इसके अलावा फिर देखने को मिला कि जोश हेजलवुड और मोहम्मद सिराज ने भी अच्छा खासा 3 और 2 रन का योगदान दिया। अच्छा खासा इस वजह से क्योंकि बाकी के आज खिलाड़ियों ने कुछ किया ही नहीं है, और ऐसे में 3 और 2 रन ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह की आरसीबी की हालत हो गई है। बात करें अगर सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों की, तो जी हां, आज मार्को जेंसन ने 3 विकेट लिया है, जबकि टी नटराजन ने भी 3 विकेट लिया है। जगदीश सुचिता को 2 सफलता हाथ लगी है भुवनेश्वर, और उमरान मलिक को 1-1 सफलता हाथ लगी है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।